Hello everyone. Illustration number 10. X Limited contributes 20% of basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD. DNS allowance is 40% of basic salary and it forms part of the pay of the employees. Okay. Compute the amount of deduction allowable under section 36(1)(4)(a). If the basic salary of employee aggregate of rupees 10 lakh, would the disallowance under section 10 under section 40(a)(9) be attracted? If so, to what extent? इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, ये जो 40(a)(9) है, ये डिसअलाउंस की बात करता है. डिसअलाउंस की बात करता है सर, किसके डिसअलाउंस की बात? एक्सीड कर जाए अगर कोई अमाउंट 80 CCD से एक्सीड कोई भी अमाउंट होता है तो उसकी डिसअलाउंस की बात करता है. अगर आप यहां से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए. करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 40(a)(9) विच प्रोवाइड्स फॉर डिसअलाउंस ऑफ एनी सम पेड बाय एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी फंड और ट्रस्ट हैज बीन अमेंडेड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इट्स डिसअलाउंस. ओके, कंट्रीब्यूट बाय एन एम्प्लॉयर टू द पेंशन स्कीम रिफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD. सर ये होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं. अभी सेक्शन होती है 80 CCD. 80 CCD ये जो सेक्शन होती है, इसमें आपसे बात करता है कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, जो कंट्रीब्यूशन हम करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बाय कौन? एम्प्लॉयर. ओके, यहाँ पे एलिजिबल एसएससी हमेशा इंडिविजुअल ही होगा. इंडिविजुअल ही एसएससी की यहाँ बात कर रहे होंगे. सर यहाँ पे 80 CCD के अकॉर्डिंग डिडक्शन कितनी मिलती है? देखिए यहाँ पे भी अगर सेल्फ सैलरीड एम्प्लॉयड है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सैलरीड एम्प्लॉय है कोई, रुके मैं मार्कर बदल देता हूँ. ओके, अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसके केस में डिफरेंट हो जाएगा और अदर एसएससीज के केस में डिफरेंट हो जाएगा. अदर इंडिविजुअल के केस में एसएससीज कंट्रीब्यूशन, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एसएससी का कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर के अमाउंट का डिडक्शन मिल जाता है. बट अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है, जो कि हमारे केस में था, क्या था? सैलरीड एम्प्लॉय के केस में हमें डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉयज डबल ई ऐसा ही है, एम्प्लॉयर मत लीजिएगा, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी. और इस सैलरी का मतलब क्या होता है कि सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स जो है उन दोनों का एडिशन. बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स का 10% और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है एज पर 80 CCD. इससे एक्सीड अगर कोई अमाउंट आता है 80 CCD के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए अमाउंट आया 500 रुपीज़ और 510 का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो जो हम सेक्शन पढ़ रहे थे 10(a)(9) जो क्वेश्चन में है, 10(a)(9) के अकॉर्डिंग इससे एक्सीड मतलब 10 रुपीज़ जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा. यही था मेरा क्वेश्चन. आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं एज पर ICAI. चलिए अगर हम थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करें, एक्स लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन रिफर्ड सेक्शन पेंशन स्कीम रिफर्ड इन सेक्शन 80 CCD. डीएनएस अलाउंस है 40% ऑफ बेसिक पे, मतलब ये इन टर्म्स है. तो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन के लिए टोटल सैलरी प्लस डीए कितना आ गया? 10 लाख प्लस 40%, मतलब 14 लाख रुपीज आई. और 14 लाख रुपीज का 20% कितना आता है? 14 लाख रुपीज का 10%, सॉरी यहाँ पे देखिए था 10% ऑफ सैलरी का है और डीए इन टर्म्स, तो 14 लाख का 10% आता है 1,40,000 रुपीज. इन्होंने 20% कंट्रीब्यूशन किया है बेसिक सैलरी का, इट मींस 2 लाख रुपीज का. तो हमें डिडक्शन कितने रुपीस का मिलेगा? 1,40,000 रुपीस का मिलेगा. और डिसअलाउड कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीस डिसअलाउड हो जाएगा. समझ में आया? आ गया होगा. फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस क्वेश्चन में हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने
20% मतलब 2 लाख रुपीस जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं एक्स लिमिटेड ने। हमें बताना है कि कितने पे एग्जेम्पशन मिलेगी और कौन सा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग चलिए सॉल्यूशन से देखते हैं। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है मतलब डीए इन टर्म्स है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई मेरी 14 लाख। एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इट मीन्स 10 लाख का ही, 20% ऑफ बेसिक सैलरी मतलब 10 लाख, 2 लाख का, ओके। और पॉसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(4)A जो है वो 10%, देखिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस मतलब 10% जो है मैं 14 लाख का 10% तक की डिडक्शन हम ले सकते हैं, तो 1,40,000 की डिडक्शन हमें मिलेगी। और कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ है, 2 लाख रुपए का हुआ है। तो कौन सा अमाउंट है जो डिस अलाउड हो गया एज पर 40A9? सर 60,000 रुपीज डिस अलाउड हो गया एज पर 40A9। ओके ओके, बहुत ईजी था और ओरली हमसे ये सवाल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अंडर सेक्शन 36(1)(7)(a) अप टू असेसमेंट ईयर 18-19 मतलब ये प्रीवियस ईयर का है, असेसमेंट ईयर 18-19 है, ये आप ध्यान रखिए असेसमेंट ईयर 18-19 है, इट मीन्स ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 19-20 बिफोर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 36(1)(7)(a) इज 800। एवरेज एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाय रूरल ब्रांचेस ऑफ द बैंक 300 एंड बैड एंड डाउट बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन बैलेंसेज अर्बन एडवांसेज ओनली ड्यूरिंग द प्रीवियस 18-19 मतलब ये भी करंट ईयर की बात करता है। प्रीवियस 18-19 में जो केवल और केवल अर्बन है, अर्बन एडवांसेस बेस पे है वो 210 है। ओके, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1)(7)। देखिए बैंक्स हों या अदर कोई भी जब इंटिटी होती है इसके केस में दो रूल्स लग रहे होते हैं जनरली। देखिए 36 अंडर सेक्शन ये जो 36(1)(7) है ये 36(1)(7) आपके बैड डेप्ट की बात करता है ये, और इसने हमसे पूछा है कि बैड डेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा अमाउंट 36(1)(7) के अकॉर्डिंग अलाउ होगा मतलब बैड डेप्ट्स में होगा। बट एक सेक्शन होता है 36(1)(7)(a) ये बात करता है हमारा बैड डेप्ट फॉर बैंक्स के लिए, बैड डेप्ट फॉर बैंक्स के लिए, ओके। और इसमें हमारा जब ये बैड डेट फॉर बैंक्स के लिए बात करता है तो इसमें हमारी आ जाते हैं इंडियन बैंक्स और अदर एज लाइक एनबीएफसी हो गई या पीएफआईज हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इन सबों की बात होती है। ये बैंक्स हो गए और ये अदर्स हो गए। अदर्स के केस में 5% ऑफ GTI का डिडक्शन अलाउड होता है बिफोर दिस डिडक्शन, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बैड डेट पढ़ रहे हैं। बैड डेट एज पर 36(1)(7) तो होता है बट 36(1)(7)(a) स्पेसिफिकली फॉर बैंकिंग एंड अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए है, जिसमें अदर इंस्टीट्यूशन में अगर इंडियन बैंक्स हैं तो क्या होता है और अदर्स हैं तो, अदर्स के केस में हम पढ़ चुके हैं लेकिन इंडियन बैंक्स हैं तो क्या होगा। इंडियन बैंक्स के लिए ये लिमिट है 8.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम जो अलाउड है इनको बिफोर दिस डिडक्शन, प्लस जो रूरल में मतलब 10% ऑफ, ये लिख लीजिए 10% ऑफ एग्रीगेट, 10% ऑफ एग्रीगेट एडवांस मेड बाय रूरल ब्रांचेज, एडवांस टू रूरल ब्रांचेज, ये रूरल वर्ड याद रखिएगा, रूरल ब्रांचेज के लिए 10% एडिशनल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इन्होंने बोला, क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ बोला हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अंडर सेक्शन 36(1)(7)(a) अप टू असेसमेंट ईयर, मतलब ये ओपनिंग की बात कर रहा है, ये बैंकिंग के लिए बोल रहा है कि बिकॉज 7A है यहाँ पे। फिर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 19-20 बिफोर दिस डिडक्शन 800। अगर हम बैंकिंग कंपनीज की बात करें तो इस पे 8.5% का डिडक्शन मिलता था। एग्रीगेट एवरेज एडवांस मेड बाई रूरल ब्रांचेज ऑफ द बैंक इस पे 10% था। अगर हम टोटल करें तो ये 68 आएगा, ये 30 आएगा, टोटल 98 का हमको डिडक्शन मिलना चाहिए एज पर सेक्शन विच 7A।
ये 7A वाला याद रखिएगा, और हमसे पूछा है इसने डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 36(7) नॉट 7A, तो जो 36(7A) में अलाउड नहीं होगा वो 36(1)(7) में अलाउड हो जाता है। तो 36(1)(7A) में पहले क्या अलाउड होगा, पहले हम ये चेक करते हैं। 36(1)(7A) में क्या अलाउड होता है पहले हम ये चेक करते हैं, ठीक है। तो ये 90 लाख तो 36(1)(7A) के अकॉर्डिंग अलाउड हो रहा है, प्लस एडिशनल इसमें ये ओपनिंग वाला भी, तो ये जो प्रीवियस ईयर का ये भी अलाउड हो जाता है, मतलब प्लस 100 भी कर देंगे, 198 अलाउड हो गया एज पर सेक्शन 36(1)(7A। ओके ओके, और टोटल हमारा कितने का बैड डेप्ट था करंट ईयर में, 210 का, तो 210 माइनस 198 कर दें, जो रिमेनिंग बचेगा ना वो हमारा एज पर 36(1)(7) अलाउड हो जाएगा, तो रिमेनिंग बच रहा है हमारा 12 लैक्स। ओके चलिए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, मैंने प्रोविजन भी बता दिया आपको, सॉल्यूशन भी बता दिया और आंसर भी करके दिखा दिया, आंसर इसका इतना ही होगा। आंसर की फॉर्मेटिंग अगर समझने की कोशिश करें तो 36(1)(7A) के अकॉर्डिंग कितना पैसा हमको, कितने का डिडक्शन अलाउ होगा वो कैलकुलेट कर लें, जो 36(7A) में अलाउ नहीं होता है वो 36(1)(7) में अलाउड हो जाता है। 36(1)(7) पूछा है तो 7A में जो अलाउड होगा उसको 7A में अलाउड कर दिए, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग जो कि हमारा बैड डेप्ट है, वो रिमेनिंग बैड डेट हमारा 7 में अलाउड हो जाएगा, 36(1)(7) में। ओके ओके, कंपटीशन ऑफ डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 36(1)(7) फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, बैड एंड डाउटफुल डेप्ट रिटेन ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 210, टोटल ये जो मेरा आया था 210, ठीक है, इतने का हमको पता चला कि बैड एंड डाउटफुल डेप्ट हो गया है। अब इसमें लेस कर देंगे क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट अंडर सेक्शन 36(1)(7), पहले से हमारे क्रेडिट बैलेंस में क्या रखा, देखिए बैड डेप्ट जो होते हैं ना बैंक्स के लिए, बैड डेप्ट जब भी हो गया तो बैड डेप्ट जो है ये पहली बात तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट से जाएगा, डायरेक्ट बैड डेप्ट नहीं जाएगा, लेकिन बैड डेप्ट में अगर क्रेडिट में पहले से कोई बैलेंस दिया हुआ है कि ये इतने का क्रेडिट ने बैड डेप्ट पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस अगर है बैड डेप्ट अकाउंट का, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट में अगर कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है और कोई बैड डेप्ट होता है तो पहले प्रोविजन अकाउंट से सेट ऑफ होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस इन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट कितना है, 100 लाख, ये जो 100 लाख है तो 210 एज लाइक ये 100 लाख का प्रोविजन तो यहाँ पहले से पड़ा था प्रोविजन, अब 210 का अगर फ्रेश बैड डेप्ट हुआ तो 2 बैड डेप्ट तो यहीं पे जाएगा 210, तो फर्स्ट चार्ज तो इस 100 से सेट ऑफ होगा, तो यहीं पे यहाँ पे 100 से सेट ऑफ कर दिए हैं। ओके, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 100, अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट का अकाउंट बना सकते हैं चाहे तो, करंट ईयर में एज पर 36(1), ये तो पिछले साल की बात हो गई, अब इस साल एज पर 36(1)(7A) कितना रुपीज अलाउड है, 8.5% ऑफ 800 लाख, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, और 10% ऑफ एग्रीकल्चरल जो भी एग्रीगेट है लोन दिए गए हैं हम लोग, एडवांस दिए रूरल ब्रांचेस को, ठीक है, एग्रीगेट फॉर रूरल ब्रांचेस जो कि 300 लाख था, तो 98 का करंट ईयर में और 100 का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इट मींस ऐसे आया 100 ये था, 98 ये आ गया, और 210 की हमारी इस बार की ये प्रोविजन फॉर डेट पर ये बैड डेप्ट था, तो कितना 36(1) के अकॉर्डिंग जाएगा, ये 36(1) के अकॉर्डिंग 12 जाएगा। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट बना सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(7) इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 1920 12 लाख, देख लीजिए बिल्कुल आसान फॉर्मेट था, फिर से समझा देता हूँ, बनता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। इन्होंने हमसे पूछा कि 36(1)(7) के अकॉर्डिंग कितना पैसा अलाउड होगा, 36(1)(7) के अकॉर्डिंग वही पैसा अलाउड होगा जो 36(1)(7A) के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मेरा ब्रॉड डाउन बैलेंस पहले से दिया हुआ 100 का, हमको कितना एक्सपेंसेस टू बैड डेप्ट मेरा इस बार आ गया 210, 100 लाख पहले से था, और 36(1)(7A) स्पेसिफिकली बैंकिंग कंपनी के अकॉर्डिंग मेरा 98 का और अलाउड हो जा रहा है, तो जो पैसा बचा वही तो 36 जो अब बचा अमाउंट 36(1)(7) के अकॉर्डिंग रिमेनिंग अमाउंट ही अलाउड होगा जो कि है 12 लाख, यही मेरा आंसर था, ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का अकाउंट अगर हम बना दिए, देखिए 12 लाख। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 12, ISAC लिमिटेड अ कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 35,25,890 रुपए आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग थिंग्स, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
देखिए जो लेक्चर नंबर टू आप फिर से कर लीजिएगा, इसमें लेक्चर नंबर टू है जिसमें मैंने 35 के बारे में रिसर्च के एक्सपेंसेस की पूरी डिटेल मैंने बताई थी, सेक्शन 35 लेक्चर नंबर टू उसी को डेडिकेटेड था। जब हम पीजीबीपी निकाल रहे होते हैं तो पीजीबीपी में ये भी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। पीजीबीपी में होता क्या है कि हमें जो अमाउंट आ गया प्रॉफिट का, इस प्रॉफिट में कुछ ऐड बैक करना पड़ता है। वो ऐड बैक क्या हो सकता है, जो चीज़ें सेपरेटली हमको देखनी थी कहीं और, या फिर पीएल में डेबिट नहीं होंगी वो चीज़ें, या सेपरेटली कहीं और डेबिट होंगी, या फिर जो चीज़ें जीटीआई में से एज एन डिडक्शन मिलती है, एज एन एक्सपेंस नहीं मिलती, उनको हमको ऐड बैक करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, मतलब एज लाइक डेप्रिशिएशन कंपनीज एक्ट वाला ऐड बैक करना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट वाला डिडक्ट करना पड़ता है, इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब हम पीजीबीपी की निकाल रहे होते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मेट ही यही होता है जो भी हम फॉर्मेट पढ़ेंगे मे बी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में। परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द पर्पज ऑफ इन हाउस रिसर्च, याद करिए क्या होता है, इसमें 150% का हमको डिडक्शन मिलता था। परचेजिंग प्राइस ऑफ असेट यूज इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैंड पे तो कभी नहीं मिलता है, तो 500,000 पे हमको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, और 300,000 रुपये पे 100% बिल्डिंग वाले पे तो 300,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, ये चीज़ होनी चाहिए, बट इसको हम सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये भी सेपरेटली देखना पड़ेगा। पीएल में जो डेबिट कर रखा है इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, ये तो डेबिट है चलो ठीक है, बट ये 100% डेबिट है, 50% और डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि 150% का डिडक्शन मिलता है। लैंड डेबिट है, इस डेबिट हो ही नहीं सकता, लैंड के खर्चे पे हमको डिडक्शन नहीं मिलता है। बिल्डिंग डेबिट है लेकिन सेपरेटली देखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ये पीजीबीपी का पार्ट नहीं आता है इसलिए यहाँ पे इसको डेबिट नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो कि 35CCC में 150% का डिडक्शन इसको भी मिलता है, बट इसको भी सेपरेटली देखेंगे, डेबिट हुआ है ऐड बैक करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट परचेज ऑफ लैंड, सर लैंड के परचेज पे कहीं नहीं मिलता था, इसको ऐड बैक कर देंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये जो 32,50,000 रुपये है इस पर भी 150% मिलना चाहिए, 35 CCD के अकॉर्डिंग, 35 CCD में, और इसको भी सेपरेटली देखेंगे। ये जो पीएल में डेबिट हो रखा है मतलब ये भी सेपरेटली जाएगा, ये भी सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट इन द सोवेनियर पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी 75,000, ये ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन इसका मिलता है हमें, ग्रॉस टोटल इनकम से इसका हमें डिडक्शन मिलता है, और ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन यहाँ कहीं कुछ किए नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए इसको भी, ये भी एड बैक हो जाएगा और सेपरेटली कंसिडर्ड होगा 80CC में, 80CC नहीं, 80 वन सेकेंड में बता रहा हूँ, 80GGB, 80GGB में पॉलिटिकल पार्टी का पेमेंट जाता है, 80GGB में जाएगा ये, और ये यहाँ पे बिजनेस का खर्चा नहीं इसलिए डेबिट नहीं होगा। ओके, मैंने जो बोला उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए सेम फॉर्मेट में डाल दिया होगा इन्होंने। कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 1920, नेट प्रॉफिट फॉर द एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,25,890 रुपीज़। ठीक है, एड बैक किए कौन से सर, आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टू बी डिसअलाउड, जैसे परचेज प्राइस ऑफ लैंड अनयूज इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउबल अंडर सेक्शन 35। 500,000 रुपये खर्चा डेबिट किए हैं, डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, इसको मैंने कट किया इसी तरीके से, 40,000 रुपये वाला भी डेबिट हो रखा है, डेबिट नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये परचेज ऑफ लैंड जो 40,000 रुपये भी डेबिट नहीं होना चाहिए, डेबिट किया हुआ तो ऐड बैक कर रहे हैं इसको, ये ऐड कर रहे हैं। ओके, परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग यूज इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% ऑफ विच इज अलाउबल अंडर सेक्शन 35(1)(4) रीड विद सेक्शन 35(2) बिल्डिंग का जो खर्चा था वो 100% अलाउड है, 100% अलाउ यहाँ भी किए हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 25,50,000 रुपीज़, ये तो सेपरेटली देखना पड़ेगा, ये प्रॉफिट एंड पीजीबीपी में नहीं जाएगा, सेपरेटली इसको कंसिडर करेंगे, नॉर्मली पीएल में हम इसको डेबिट नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे ऐड बैक किया है, बाद में इसकी एडजस्टमेंट हुई है, देखिए बाद में एडजस्टमेंट में आते हैं, चलिए बाद के एडजस्टमेंट बाद में बताते हैं आपको। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी परचेज ऑफ लैंड तो हट गया बट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट
to be considered separately 32,50,000 rupees. 32,50,000 का भी सेपरेटली देखेंगे सर, कहाँ पे आपने ये सब चीज़ लिखा था? देखिए मैंने बताया था लैंड कहीं नहीं लेते हैं, हर जगह लैंड की कॉस्ट को ऐड बैक कर दिया, बिल्डिंग को तो लिया है लेकिन सेपरेटली इसको भी कंसीडर किया, ये भी सेपरेटली कंसीडर किया, ये भी सेपरेटली कंसीडर किया, इसको भी ऐड बैक करेगा जो 75,000 रुपीज़ प्लॉट एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर पब्लिश्ड बाय अ पोलिटिकल पार्टी नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 37. ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम में 80 GGB का डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ पे जो बिजनेस का खर्चा मानते ही नहीं है, तो बिजनेस के खर्चे में अगर बिजनेस के पीएल में इसको डेबिट किए थे तो इसको ऐड बैक कर लिए, ठीक है. इट मीन सर ये देखिए, हमने जो जो खर्चे को हम बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, 500,000 रुपये तो उनको मिलता ही नहीं कहीं से भी, 500,000 ऐड बैक हो जाएगा. ये भी कंसिडर सेपरेटली करने, ये बिजनेस का खर्चा है नहीं, कंसिडर सेपरेटली करना है, ये खर्चा का डिडक्शन मिलता ही नहीं. तो जिन जिन खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता या जिसको सेपरेटली देखना होता है उसको ऐड बैक कर लिए, तो हमारी टोटल फिगर आ गई प्रॉफिट प्लस ऐड बैक. ये प्रॉफिट एंड लॉस भी है प्लस ऐड बैक आइटम्स, ठीक है, लेस. अब माइनस करेंगे जिस जिस पे हमको डिडक्शन मिलनी चाहिए. लेस हुआ है, लेस हुआ आपका, वन सेकेंड, जिस जिस चीज पे डिडक्शन मिलनी चाहिए लेस आ गया आपका परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर इन हाउस परचेज एंड डेवलपमेंट क्वालिफाइज 150% डिडक्शन. मैंने बताया था कि इन हाउस रिसर्च पे 150% की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 35(2)(ab). सिंस इट इज ऑलरेडी डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस 50% इज अलाउड. सर क्या बोले नहीं समझा. देखिए हमारे क्वेश्चन में था कि परचेज जो रॉ मटेरियल का हुआ है ये पहले से डेबिट था 11,80,000, तो बट इस पर 150% डिडक्शन मिलेगी, तो इसका 50% जो अमाउंट आता है वो फिर से हम इसको डिडक्ट कर देंगे, तो लेस कर देंगे. 150% है तो 100% पहले से अलाउड था, कोई बात नहीं, 150% डिडक्शन चाहिए तो 50% और अलाउड कर दिए, 5,90,000. लेस की एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्वालिफाइज 150% ऑफ डिडक्शन 38,25,000, और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था उसको 150% का डिडक्शन मिलेगा. सेपरेटली देखेंगे, देखिए यहाँ पे 100% डिडक्ट तो किया था, 32,50,000 डिडक्ट किया था, बट उसका 150% सेपरेटली डिडक्ट करेंगे, और इसको बाद इस फिगर से इसको जब लेस किए, ये लेस की फिगर्स थी, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आपका आ गया. सर ये क्यों खिचड़ी बनाया? बिकॉज ये प्रेजेंटेशन का मामला है. प्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बता दिया जिस आइटम को सेपरेटली दिखाना है उसको सेपरेटली देखिए, जो डेबिट नहीं होना चाहिए था उसको ऐड बैक करिए, जो डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करिए, और कुछ आइटम जो 80 GGB टाइप्स होते हैं वो हमारे PGBP में आते ही नहीं, उनको सेपरेटली कंसीडर ग्रॉस टोटल इनकम से करते हैं, उनको ग्रॉस टोटल इनकम से सेपरेटली कंसीडर करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा. इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. इसमें कुछ भी टफ था नहीं, बट आपको रिवाइज जरूर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि PGBP सबसे बड़ा हेड है, PGBP सबसे इंपॉर्टेंट हेड है, और हम इसको क्लियर कर रहे हैं. बाय बाय, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को कंपल्सरली हिट करिए.